नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास में मध्यकालीन इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है भारत में मुस्लिमों के आक्रमण से। भारत में मुस्लिमों का आक्रमण समय समय पर हुआ है। इसमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी का आक्रमण महत्वपूर्ण है। महमूद गजनवी जैसे शासकों ने भारत पर इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करने के लिए और लूट के लिए 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने भारत में आकर चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इस्लाम का वर्चस्व भारत में भी स्थापित कर दिया। तो इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के विभिन्न शासक, जिसमें गुलाम वंश के, खिलजी वंश के, तुगलक वंश के, सैयद वंश के, लोधी वंश के शासकों के बारे में इंटरेस्टिंग बातें होंगी। फिर आएगा मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य चलेगा 1707 तक। तो ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और शुरुआत होगी इसकी इस्लाम के उदय से। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां इंटरेस्टिंग मिल जाएंगी। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास चलता है 712 ईस्वी से लेकर तो 1707 ईस्वी तक, यानी ये लगभग 1000 वर्षों का काल है। कितने समय की बात है, ये लगभग 1000 वर्षों का काल है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के इन 1000 वर्षों में ही हम अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य आदि पढ़ेंगे। शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं इस्लाम के उदय से, यानी कि मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इस्लाम के बारे में, इस्लाम का उदय। किसी को ईस्वी के संबंध में तो डाउट होगा नहीं, ईस्वी मतलब कि सन, जैसे इस समय 2019-2020 चल रहा है, तो ये जो है 712 ईस्वी और सन 707 ईस्वी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस्लाम का उदय क्या 712 के बाद हुआ या पहले ही हुआ या कितना पहले हुआ, ये हम समझें। तो देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना धर्म कहा जाता है सनातन धर्म। सनातन धर्म कौन सा धर्म है भाई? मतलब सनातन धर्म आपने सुना है कि सनातन धर्म के लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। आप लोगों ने सनातन धर्म तो सुना है, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग कौन हैं? तो देखिए, जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं वो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और उन्हें ही हम हिंदू के रूप में जानते हैं। तो सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म हुआ और उसमें सनातन धर्म में जो धर्म है वो है हिंदू धर्म, सनातन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, हिंदू धर्म एक बहुदेववादी धर्म है। इस बहुदेववादी धर्म में जो विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, शिव के उपासक शिव कहलाते हैं। हिंदू धर्म की ही ब्रांच के रूप में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एक सुधारवादी धर्म के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो सनातन धर्म तो सबसे पुराना धर्म हो गया, ये तो हमको क्लियर हुआ। इस्लाम का उदय कब हुआ और कितने समय में इस्लाम संसार के विभिन्न देशों में और भारत में फैल गया, ये हम शुरुआत में समझ लेते हैं। तो देखिए, इस्लाम के प्रवर्तक हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। नाम सुना होगा आपने, पैगंबर मोहम्मद साहब। तो पैगंबर मोहम्मद साहब या हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का नामक स्थान पर हुआ था।
कहां जन्म हुआ था इनका? मक्का नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ये मक्का कहां है? मक्का जानते हैं आप लोग, तो आप लोगों ने भारत का मानचित्र देखा होगा, भारत से ही लगा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान से सटा हुआ है ईरान, और ईरान से ही लगा हुआ इस तरह से अरब का प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है ये? अरब का प्रायद्वीप, जहाँ यहाँ हमको फारस की खाड़ी देखने को मिलती है। विश्व के भूगोल में आप लोग ये सब पढ़ते हैं, ये पूरा हिंद महासागर है, ठीक है, यहाँ पर लाल सागर है। तो ये जो प्रायद्वीप है, ये संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप में कई सारे देश हैं, जैसे यहाँ पर ओमान है, यहाँ यमन है, यहाँ यूएई, कतर, इधर टर्की, इसके अलावा यहाँ इराक, और यहाँ इसी अरब के प्रायद्वीप में सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब में ही यहाँ पर है एक स्थान मक्का, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। तो मक्का जो स्थान है, यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 40 वर्ष की अवस्था में। मतलब कि हम बात कर रहे हैं 610 ईस्वी की, 40 वर्ष की अवस्था में पैगंबर मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब ये एक तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति थे, और अलग अलग जगह पर ये तपस्या करते रहते थे, मतलब कि ध्यान लगाते रहते थे। तो हीरा नाम की गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, हीरा नामक गुफा में इनको एक अल्लाह के दूत जिनका नाम है जिब्राइल मिले थे, अल्लाह के दूत जिब्राइल मिले थे, उन्होंने ही इनको बताया कि आप धरती पर अल्लाह के अंतिम दूत हैं, अंतिम पैगंबर हैं, और इन्होंने ही कुरान को पैगंबर मोहम्मद साहब को दिया। किन की बात कर रहे हैं हम? जिब्राइल की। तो कुरान एक पुस्तक जो कि इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, वो कुरान पुस्तक जिब्राइल ने ही पैगंबर मोहम्मद साहब को सौंपी थी। तो पैगंबर मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ। कब हुआ? 610 ईस्वी में। और उन्होंने ही लोगों को बताया कि वो धरती पर अल्लाह के अंतिम दूत हैं, अंतिम पैगंबर हैं, और कुरान में जो बातें लिखी हैं वो बातें सभी सच हैं, और अल्लाह ही इस धरती का सृजन करता है, और उन्हीं ने ये सब बातें बताई हैं, और जो इन बातों को मानेगा उसी को इस्लामिक कहा जाएगा। तो धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद साहब की बातें लोग मानने लगे, पैगंबर मोहम्मद साहब का विरोध भी हुआ, कई सारे लोग उनके अनुयायी बन गए। इस तरह से धीरे धीरे इस्लाम का उदय हुआ, और प्रवर्तक कहलाए पैगंबर मोहम्मद साहब। अब पैगंबर मोहम्मद साहब के क्या सभी लोग अनुयायी थे, या क्या सभी उनकी बातों को सच मानते थे? कुछ लोग विरोधी भी थे। पहले से वहां चल रहा था यहूदी धर्म। यहूदी आप लोगों ने सुना होगा, यहूदी कौन है? देखो, जिस तरह से हमने बात की थी अभी, ये मैं रफ कर देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, जिस मैप में मैंने आपको मक्का के बारे में बताया, आप लोग समझ गए होंगे सऊदी अरब की ये सब बातें चल रही हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब सऊदी अरब से ही संबंधित हैं, ठीक है, और यही अरब में ही इस्लाम का उदय हुआ है, ये सब बातें आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म में ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस तरह से धर्म आए, वैसे ही जो यहूदी धर्म था, उस यहूदी धर्म से ही सुधारवादी धर्म के रूप में मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म
का उदय हुआ। मतलब यहूदी एक रूढ़िवादी धर्म था और उसी के सुधारात्मक धर्म के रूप में ईसा मसीह ने कुछ बातें बताई। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक बन गए और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से ही मुस्लिम धर्म का या इस्लाम का उदय हुआ। तो यहूदी जो मौलिक रूप से वहां पर थे, उन लोगों ने क्या किया कि पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों के सामने परेशानियां खड़ी की और पैगंबर मोहम्मद साहब का यहाँ पर यानी कि मक्का में रहना मुश्किल हो गया। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना तक की यात्रा की। मक्का से मदीना मतलब हम मान के चलें कि ये देश है सऊदी अरब, तो यहाँ सऊदी अरब में ये मक्का है और ये मदीना, दोनों के बीच में 280 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो इस 280 किलोमीटर की यात्रा पैगंबर मोहम्मद साहब ने कब की? 622 ईस्वी में। इसी यात्रा को हिजारत के नाम से भी या हिजरत के नाम से भी मुस्लिम धर्म में इस्लाम में माना जाता है, जाना जाता है। तो हिजारत मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना तक की यात्रा। इसी समय 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने हिजरी संवत चलाया। कौन सा संवत? हिजरी संवत। संवत मतलब समझते हैं हम, संवत, संवत मतलब हम समझ सकते हैं नया कैलेंडर। तो हमने पढ़ा कि हिजरी संवत जो है उसकी शुरुआत 622 ईस्वी में हुई। तो संवत आप लोगों को समझ में आता होगा, संवत क्या है? देखिए, जैसे आपने सुना होगा विक्रम संवत, शक संवत। तो एक विक्रमादित्य नाम के राजा हुए थे और वो हुए थे ईसा मसीह के जन्म से 58 साल पहले, यानी कि 58 ईसा पूर्व। तो इस समय उन्होंने संवत चलाया। कहीं कहीं किताबों में 57 ईस्वी मिलता है और 58 ईस्वी मिलता है, तो हम उस पर चर्चा न करते हुए हम ये समझें कि संवत क्या है। तो 58 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म के 58 साल पहले, तो इसे कह रहे हैं ईसा पूर्व। तो उस समय विक्रमादित्य नाम के राजा ने एक संवत चलाया, वो विक्रम संवत कहलाया। इसी प्रकार 78 ईस्वी में चला शक संवत। एक कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, उन्होंने शक संवत चलाया था। ऐसे ही यह है हिजरी संवत। हिजरी संवत किसने चलाया? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। कब चलाया? 622 ईस्वी में। और इस समय जो यात्रा उन्होंने की थी वो कहां से कहां तक की थी? मक्का से मदीना तक की। कितनी यात्रा थी वो? 280 किलोमीटर की। इस यात्रा को क्या कहते हैं? हिजारत कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था? तो उनको हीरा नामक गुफा पर हुआ था। कब हुआ था? 610 ईस्वी में। कितनी उम्र में? तो 40 वर्ष की अवस्था में। उनका जन्म कब हुआ? 510 ईस्वी में। कहां पर जन्म हुआ? मक्का में। मक्का कहां है? तो सऊदी अरब में। अगर पूछा जाए इस्लाम के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं, तो पैगंबर मोहम्मद साहब। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से पहुंच गए कहां? मदीना। यहीं पर ये इतना मिटा देता हूं। पैगंबर मोहम्मद साहब पहुंच गए मदीना और यहीं पर 632 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। पैगंबर मोहम्मद साहब की मौत कब हो गई? मृत्यु हो गई उनकी 632 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु मदीना नामक स्थान पर हो गई। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में। अब प्रश्न उठता है इसके बाद कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद कोई पैगंबर हुआ? तो नहीं हुआ, क्योंकि वही अंतिम पैगंबर है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान को ही इस्लाम की प्रमुख पुस्तक बताया। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए वो पैगंबर ना होकर वो कहलाए खलीफा। क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो थे उनमें थे चार लोग। एक तो अबू बकर, दूसरे थे उमर, तीसरे थे
उस्मान, और चौथे जो खास आपको याद रखना है वो थे अली। अली जो थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी भी थे और दामाद भी थे। अब यहीं से हमको ये समझना है कि अगले खलीफा कौन बने और इस्लाम में सिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट कहां से आया। आपने सुना होगा कोई सिया मुसलमान, कोई सुन्नी मुसलमान, तो सिया सुन्नी क्या है वो भी समझो। देखिए, कुछ लोग ये मान रहे थे कि जो भी योग्य है वही पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी और पहला खलीफा बने। तो जो लोग योग्यता के आधार पर किसी को खलीफा बनाना चाहते थे वो लोग कहलाए सुन्नी। कौन कहलाए? वो सुन्नी कहलाए। तो सुन्नी जो है वो लोग जो थे उनकी संख्या ज्यादा थी, तो उन लोगों ने क्या किया, अबू बकर को पहला खलीफा घोषित कर दिया। तो पहले खलीफा कौन हुए? अबू बकर। कौन मानते हैं? सुन्नी। जबकि कुछ लोग जो संख्या में कम थे उनका यह मानना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी या खलीफा जो है कोई उनका ही रिश्तेदार होना चाहिए, तो वो लोग अली को खलीफा मानना पसंद करते थे या अली को खलीफा मान रहे थे, वो लोग कहलाए क्या? शिया। इस तरह से सुन्नी और शिया दो भागों में, दो संप्रदायों में इस्लाम धर्म बट गया। अली के ही पुत्र हुए हुसैन, अली के ही पुत्र हुए थे हुसैन, और हुसैन की मृत्यु हुई थी करबला में। करबला कहाँ है? तो ये करबला जो है ईरान में एक जगह है। तो इस तरह से हमने यहां पर समझा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद कोई भी पैगंबर नहीं हुआ और हुए खलीफा। तो खलीफा के चार उत्तराधिकारी, मतलब चार लोग दावेदार थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो कुछ लोग चाहते थे जिनकी संख्या अधिक थी कि अबू बकर जो है वो बन जाए खलीफा, तो वो लोग हुए सुन्नी। और जो लोग अली को रिश्तेदार को खलीफा मानना चाह रहे थे वो लोग हो गए सिया। इस तरह से सिया और सुन्नी दो भागों में बट गया इस्लाम। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब इससे आगे की बात हम करते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताया था कि उनमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो इस्लामिक हैं, और जो इन चीज़ों को नहीं मानते वो गैर इस्लामिक हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने पांच चीज़ें बताई थी। उन्होंने पांच ऐसी बातें बताई थी जिससे कोई व्यक्ति इस्लामिक या गैर इस्लामिक होगा। तो उन्होंने जो पांच बातें बताई उसमें सबसे पहली बात तो है कलमा में विश्वास। क्या बताया? कलमा में विश्वास। जो व्यक्ति कलमा में विश्वास करता है वो व्यक्ति इस्लामिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। कलमा मतलब क्या? कलमा मतलब जो ये मानता है कि ईश्वर ही सृष्टि का सृजनकर्ता अल्लाह है, मतलब कि ईश्वर हम अल्लाह को ही कह रहे हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब ने ईश्वर अल्लाह को ही सर्वशक्तिमान माना है। तो कलमा में भी यही बात है कि जो अल्लाह को ही मानता है और वो ये जानता है कि अल्लाह एक है, इसके अनेक रूप नहीं है, और पैगंबर ही या पैगंबर मोहम्मद साहब ही उनके अंतिम दूत हैं, तो ये माना जाएगा कलमा। कलमा जैसे आपने सुना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, मतलब कि अल्लाह ही एक हैं और सर्वशक्तिमान हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब ही उनके सच्चे रसूल हैं, तो वही होता है कलमा। तो इस्लामिक होने की सबसे महत्वपूर्ण बात कलमा में विश्वास। दूसरी बात, पांच वक्त की नमाज। तो एक इस्लामिक व्यक्ति को, मुस्लिम को, पांच वक्त की नमाज अदा करना चाहिए। और
पांच वक्त की नमाज में जुम्मे की जो नमाज है वो मस्जिद में ही होना चाहिए, ये माना जाता है। तीसरी बात इन्होंने बताई कि जो सबसे पवित्र महीना होता है इस्लाम धर्म में वो होता है, आप लोगों को पता होगा, वो महीना रमजान का महीना, और उस महीने में रोजा रखना, रमजान के महीने में रोजा रखना जरूरी होता है। चौथी बात, मतलब ये सब चीजें एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को मानना चाहिए। कलमा में विश्वास तो सबसे जरूरी है, कलमा में जो विश्वास नहीं करता वो तो फिर गैर इस्लामिक या काफिर कहलाता है, जो कलमा में विश्वास नहीं करता वो काफिर। लेकिन ये सब चीजें बाकी लोगों को भी करना चाहिए, मतलब सभी को करना चाहिए। तो कलमा में विश्वास, पांच वक्त की नमाज, रमजान के पावन महीने में, पवित्र महीने में रोजा इफ्तार करना चाहिए, और इसके अलावा चौथी चीज जो है वो है हज यात्रा। कहा जाता है कि एक मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करना चाहिए, और अपने खुद के ही पैसे से करना चाहिए। और पांचवी बात जो है वो है अपनी कुल आय का 2.5%, 2.5% दान, और ये दान होना चाहिए कैसा, गुप्त दान, ऐसा नहीं कि बता के सबको दान दे रहे, गुप्त दान होना चाहिए। तो ये सब पांच चीजें इस्लाम में जरूरी बताई गई हैं। ठीक है, तो कलमा, पांच वक्त की नमाज, रमजान में रोजा, हज यात्रा और 2.5% दान गुप्त होना चाहिए, ये सब इस्लामिक को जरूरी है। आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि जो लोग अबू बकर को ही खलीफा स्वीकार कर रहे थे वो सुन्नी हुए, जिन्होंने अली को खलीफा माना वो शिया हुए। ठीक है, शिया सुन्नी जो है उनके विवाद तभी से ही शुरू हो गए, और फिर एक बाद में सूफी संप्रदाय भी आया जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसने शिया और सुन्नी के विवादों को निपटाने का प्रयास किया। और सूफी एक संप्रदाय है जो कि संगीत के माध्यम से ही अल्लाह को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि इस्लाम का उदय किस प्रकार हुआ। अब इस्लाम बहुत जल्द, यानी कि कुछ ही वर्षों में, अब हम बात कर रहे हैं इस्लाम के उदय के बाद भारत पर आक्रमण की, तो इस्लाम जो है कुछ ही समय में बहुत जल्दी पूरे अरब देशों में और मध्य एशिया में फैल गया। भारत हमेशा से सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि भारत में अथाह सोना था, भारत के मंदिर सोने से भरे पड़े थे, कई आक्रमण भारत पर हुए। तो अब यहां पर जो मुस्लिम है, जो इस्लामिक है, वो भारत पर आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन वो केवल धन लूटने के लिए नहीं करना चाहते, उनका एक दूसरा उद्देश्य भी है, वो है भारत में इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्थापित कर देना। तो इन दो उद्देश्यों के साथ भारत में समय समय पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। तो अगला हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं भारत में मुस्लिम आक्रमण, भारत में मुस्लिम आक्रमण। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। तो आज हम ये भारत में मुस्लिम आक्रमण को आगे बढ़ाएंगे। तो भारत में मुस्लिम आक्रमण जो हुए उसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? दो भागों में। पहला भाग, भारत में अरबों का आक्रमण, और इसके पश्चात भारत में तुर्कों का आक्रमण। भारत में अरबों का आक्रमण, भारत में तुर्कों का आक्रमण। तो पहले अरबों का आक्रमण हुआ भारत में, या पहले तुर्कों का आक्रमण हुआ? तो पहले आक्रमण हुआ भारत में अरबों का, अरबों का आक्रमण ही हमने पहले लिखा है। तो पहले हम पढ़ेंगे भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक है, अब यहां पर छोटी सी एक बात आपको जाननी है। देखिए,
एक बार फिर मैं यहाँ पर आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझाऊंगा। ये इंडिया मान लेते हैं और यहाँ पर है एक देश, बताइए कौन सा देश होगा ये। तो ये श्रीलंका है, है ना। और यहीं पर फिर लगा हुआ, फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान, फिर उसके बाद ईरान, इस तरह। तो और ऊपर की तरफ अफगानिस्तान है, है ना। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, मैप में आपने देखा होगा। तो भारत में अरबों का आक्रमण हम समझ रहे हैं। तो क्या हुआ हम समझें, यहाँ पर यानी कि ईरान में एक राजा थे अल-हज्जाज। कौन? अल-हज्जाज एक राजा थे ईरान में। वो भारत के साथ व्यापार करते रहते थे और अन्य देशों के साथ भी व्यापार करते थे। इसी प्रकार ये श्रीलंका से भी व्यापार करते थे। तो श्रीलंका के राजाओं ने क्या किया कि इनके लिए कोई जहाज में माल भरकर पहुंचाया। तो ये जहाज श्रीलंका से कहां जा रहा था? अल-हज्जाज के पास, ईरान। इसी बीच में यहां एक सिंध नदी बहती है और यहां पंजाब के बगल में पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रांत था। सिंध में ही एक बंदरगाह था जिसका नाम है देवल बंदरगाह, ठीक है। अब देवल बंदरगाह जो था उससे होकर इस जहाज को जाना रहता था। तो देवल बंदरगाह पर क्या हुआ कि समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को लूट लिया, वो जहाज जो श्रीलंका से अल-हज्जाज के पास जा रहा था। अब जब इस जहाज को देवल बंदरगाह पर सिंध के लुटेरों ने लूट लिया तो अल-हज्जाज बहुत क्रोधित हो गया। उस समय सिंध के राजा थे दाहिर। उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर। अब सिंध के राजा दाहिर से अल-हज्जाज ने कहा कि सिंध के लुटेरों ने मेरा जहाज लूटा है तो आपको जो हर्जाना है वो देना पड़ेगा। किसे कहा? दाहिर से। तो दाहिर ने कहा कि मेरा सिंध के लुटेरों पर कोई नियंत्रण नहीं है और मैं ये हर्जाना नहीं दूंगा। अल-हज्जाज को और गुस्सा आ गया। तो अल-हज्जाज ने क्या किया, अपने भतीजे और सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर पर आक्रमण के लिए अर्थात सिंध पर आक्रमण के लिए भेज दिया। यहीं से अरबी आक्रमण हमको देखने को मिलता है। तो ये मैं मिटा देता हूं। तो भारत पर अरबों की तरफ से आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहले अरबों का आक्रमण हुआ कि तुर्कों का, तो अरबों का आक्रमण हुआ। अरबों की तरफ से पहला आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कहां पर हुआ? तो सिंध पर हुआ। सिंध के उस समय राजा कौन थे? तो दाहिर थे। ये हमने अभी सब वीडियो में देखा। तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर हुआ। इस आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा दिया और सिंध पर अधिकार कर लिया। क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा दिया और सिंध पर अधिकार कर लिया। ये था भारत में पहला मुस्लिमों का आक्रमण और अरबी आक्रमण। दाहिर को हराकर सिंध पर अधिकार हो गया, यानी कि इस्लाम सिंध के क्षेत्र में स्थापित अब होने वाला है। अब पहले से लोग हिंदू धर्म से संबंधित ज्यादातर थे, तो अब वो मुस्लिम धर्म कैसे अपनाएंगे? उनसे सीधे सीधे तौर पर तो कहा नहीं जा सकता। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, एक टैक्स लगाया और वो टैक्स है, वो टैक्स कहलाता है जजिया कर। कौन सा कर? जजिया कर। जजिया कर लगा दिया सिंध पर। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया, तो उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। कहा लगाया? सिंध पर। क्या है जजिया कर, अब समझते हैं। जजिया कर मतलब गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर, मतलब जो मुस्लिम है उस पर नहीं लगेगा, इसके अलावा अन्य पर लगेगा, वो कर कहलाएगा जजिया कर। ये जजिया कर जो है ये 1/3 से 2/3, 1/3 से 2/3 तक, यानी कि बहुत ज्यादा हुआ करता था। उद्देश्य यही था
कि जो लोग जजिया नहीं देना चाहते वो इस्लामिक बन जाएं, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें। तो इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया, तो जजिया कर सबसे पहले लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ पर? सिंध पर। मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था, तो इसने भारत में ऊंट पालन शुरू करवा दिया, भारत में अरबी घोड़े लेकर ही आया। इसके अलावा इसने भारत में खजूर की खेती शुरू करवा दी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही एक अरबी शब्द मानसून शब्द आया। ये क्वेश्चन परीक्षा में 2013 में MPSI में आ चुका है कि मानसून कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का ही शब्द है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही ये मानसून शब्द भारत में आया था। तो इस तरह से पहला आक्रमण जो मुस्लिमों की तरफ से हुआ वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर क्या किया, जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाने वाला पहला शासक हुआ, ऊंट पालन, अरबी घोड़े लेकर आया, खजूर की खेती और मानसून, ये सब बातें आपको मोहम्मद बिन कासिम के संदर्भ में याद रखनी है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद अरबों की तरफ से कोई भी अन्य महत्वपूर्ण आक्रमण शासन नहीं हुआ। तो अरबों के आक्रमण में इतना ही हमको याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम तक की स्टोरी। और उसके बाद भारत में अब हम पढ़ रहे हैं तुर्की आक्रमण, भारत में तुर्की आक्रमण अब हम पढ़ लेते हैं। भारत में तुर्की आक्रमण, अरबी आक्रमण के बाद भारत में तुर्की आक्रमण। देखिए, अफगानिस्तान में एक स्थान है गजनी। कौन सा स्थान? गजनी। यहां पर गजनी वंश की स्थापना की थी अलप्तगीन नामक शासक ने। किसने? अलप्तगीन नामक शासक ने गजनी वंश की स्थापना की थी। गजनी सुना होगा आपने, अफगानिस्तान में है ये स्थान। अलप्तगीन के ही उत्तराधिकारी हुए सुबुक्तगीन। अलप्तगीन के ही उत्तराधिकारी कौन हुए? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो थे इन्होंने ही भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किया था। इन्होंने सुबुक्तगीन ने भारत पर पहला तुर्की आक्रमण 986 ईस्वी में किया था। ये आक्रमण इन्होंने किया था पेशावर में। पेशावर जानते हैं आप लोग, पेशावर जो है वर्तमान के पाकिस्तान में है। तो पेशावर में पहला तुर्की आक्रमण हुआ था, किसने किया था? सुबुक्तगीन ने किया था। वहां के राजा कौन थे? तो वहां के एक हिंदू शाही शासक थे जयपाल। कौन थे? जयपाल। जयपाल के विरुद्ध बार बार सुबुक्तगीन का आक्रमण हो रहा था। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि पहले तुर्की आक्रमणकर्ता कौन हुए, तो आप बताएंगे कि सुबुक्तगीन पहले तुर्की आक्रमणकर्ता हुए। पहले तुर्की आक्रमणकर्ता कौन हुए? तो सुबुक्तगीन हुए। सुबुक्तगीन कौन है? अलप्तगीन के उत्तराधिकारी। अलप्तगीन कौन है? जिन्होंने गजनी वंश की स्थापना की। गजनी एक स्थान है कहां पर? अफगानिस्तान में। तो सुबुक्तगीन का आक्रमण 986 ईस्वी में हुआ था और बार बार जयपाल के विरुद्ध आक्रमण हो रहा था। जयपाल कौन है? पेशावर के एक हिंदू शाही शासक थे। पाकिस्तान तक उस समय भारत फैला हुआ था ना, तो पाकिस्तान के किसी क्षेत्र पर आक्रमण हो रहा है तो वो भारत पर ही आक्रमण माना जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम ये सब मिटा के और आगे की बात लिख लेते हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि साहब सुबुक्तगीन का पहला तुर्की आक्रमण हुआ और सुबुक्तगीन जब बार बार जयपाल पर आक्रमण कर रहा था तो 998 ईस्वी में जयपाल ने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? जयपाल ने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। सुबुक्तगीन जो कि अलप्तगीन का
उत्तराधिकारी था, गजनी से आया था। सुबुक्तगीन की हत्या जयपाल ने जब कर दी तो इसी समय 998 में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी गजनी का शासक बन गया। तो सुबुक्तगीन का ही पुत्र था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने गजनी का शासक बनने के बाद ये कसम खाई कि वो भारत पर हर साल एक आक्रमण करेगा, और इसी कसम के बाद कुछ आक्रमण हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये बात आपने पहले भी शायद सुनी होगी। तो जो महत्वपूर्ण आक्रमण है महमूद गजनवी के वो कौन से हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। आइए देखें, सबसे पहले उठाते हैं 1001 ईस्वी में इसने जयपाल पर आक्रमण किया था। जयपाल आपको पता ही कहां के शासक हैं। इस आक्रमण में उसने जयपाल को हरा दिया, परंतु जयपाल की हत्या नहीं की थी, जयपाल ने बाद में स्वयं ही आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद 1008 ईस्वी में दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ इसका, जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर। जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर इसका दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ। इसके अलावा 1011-1012 ईस्वी में इसने मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया। इसके बाद 1014 ईस्वी में इसने स्थानेश्वर पर आक्रमण किया। कहां पर? स्थानेश्वर पर। ये स्थानेश्वर कहां है? तो स्थानेश्वर जो है ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो स्थानेश्वर में इसने आक्रमण किया। स्थानेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। यहां पर 1014 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, और यहां पर इसने चक्रपाणी की मूर्ति को तोड़ा था। महमूद गजनवी ने चक्रपाणी की प्रतिमा को, चक्रपाणी की मूर्ति को तोड़ दिया था 1014 ईस्वी में। स्थानेश्वर हिमाचल प्रदेश में इसने ये 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। बड़ा महत्वपूर्ण इसका ये आक्रमण है। ये मूर्तियों को तोड़ता था महमूद गजनवी, इसलिए महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक, क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक या बुत शिकन के नाम से भी जाना जाता है। मूर्ति भंजक या बुत शिकन के नाम से भी जाना जाता है महमूद गजनवी, क्योंकि मूर्ति तोड़ा करता था, हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों को तोड़ देता था ये। इसके अलावा महमूद गजनवी जो है ये गाजी भी कहलाता था। गाजी कौन? गाजी की उपाधि मतलब इसने दी थी। तो गाजी मतलब वो जो कि काफिरों का अंत कर दे। काफिर कौन? जो गैर इस्लामिक है। तो गाजी की उपाधि भी ली थी किसने? आप लोगों को याद रखना है महमूद गजनवी ने। क्या कहलाता था ये? मूर्ति भंजक या बुत शिकन कहलाता था। इसके कितने आक्रमण हुए भारत पर? 17 आक्रमण। 1001 ईस्वी में इसका पहला आक्रमण जयपाल के विरुद्ध हुआ था, जयपाल को हराया। 1008 ईस्वी में आनंदपाल को हराया। इसका उद्देश्य क्या था महमूद गजनवी का? तो महमूद गजनवी का सबसे प्रमुख उद्देश्य था लूट करना। इस्लाम का वर्चस्व तो था ही सभी शासकों का, परंतु लूट करना यानी कि धन लूटना बहुत ज्यादा मात्रा में, ये उद्देश्य था। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो यहां से मंदिरों में धन मतलब यहां भरा पड़ा था, तो यहां से धन लूट कर ले जाता था बार बार। इसके जो आक्रमण हुए उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है महमूद गजनवी का, जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है उसी का जिक्र अब हम करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। महमूद गजनवी के 17 आक्रमण हुए थे, आपको याद रखना है। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था, और जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था 16वां आक्रमण।
ये हुआ था महमूद गजनवी का आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ पर, सोमनाथ कहाँ है ये? गुजरात में समुद्र किनारे सोमनाथ का एक मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर जो मंदिर था वो उस समय लकड़ी का था। किसका? लकड़ी का बना हुआ मंदिर था जो कि भीम प्रथम ने बनवाया था। भीम फर्स्ट यानी भीम नाम से ही एक से ज्यादा राजा हुए तो इनको हमने भीम फर्स्ट के नाम से जाना। तो भीम फर्स्ट उस समय शासक थे। लकड़ी का महल बनवाया था, सॉरी लकड़ी का मंदिर बनवाया था। और यही सोमनाथ का मंदिर जो लकड़ी का बना था, इसका सबसे प्रमुख मुख्य दरवाजा जो था वो सोने का था। मुख्य द्वार जो था ना वो सोने का था। इसके अलावा मंदिर में भी बहुत सारा सोना भरा पड़ा था। इसी मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, उसका 16वां आक्रमण था। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तब उस समय वहां के शासक कौन थे? तो आपको बताना है भीम फर्स्ट उस समय शासक थे, उन्होंने ही वो लकड़ी का महल बनवाया था। अब भी क्या वही लकड़ी का महल है? नहीं तो आप देखने जाओ और फिर कहो कि सर हमने तो देखा था वहां, तो लकड़ी का महल है ही नहीं या लकड़ी का मंदिर तो है ही नहीं। तो अब लकड़ी का मंदिर नहीं है, पहले था उस समय, वो लकड़ी का मंदिर टूट गया। वर्तमान में जो वहां पर मंदिर है ना सोमनाथ में, वो मंदिर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था, सीमेंट कंक्रीट का ही है ना। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कौन से नंबर का है? ये 16वां आक्रमण है। उस समय शासक भीम फर्स्ट थे। इस आक्रमण में महमूद गजनवी ने भीम फर्स्ट को हराया और बहुत सारा धन लूटकर वहां से ले गया। और महमूद गजनवी बढ़ा उत्तर की ओर। जब उत्तर की ओर वो आगे बढ़ा तो इतिहासकार कहते हैं, कहा जाता है कि जाटों ने रास्ते में ही महमूद गजनवी से सोना लूट लिया था। और जो द्वार वो लेकर जा रहा था ना, वो सोमनाथ मंदिर का मुख्य द्वार, वो द्वार भी छीन लिया था। तो अब इसी के बाद जो 17वां और अंतिम आक्रमण है महमूद गजनवी का, वो जाटों के विरुद्ध ही हुआ था। वो था भेरा दुर्ग पर आक्रमण। भेरा दुर्ग पर आक्रमण महमूद गजनवी का 17वां आक्रमण था, जो कि 1027 ईस्वी में हुआ था। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का 17वां और अंतिम आक्रमण भेरा दुर्ग पर हुआ। इस तरह से हमने पढ़े महमूद गजनवी के महत्वपूर्ण आक्रमण। महमूद गजनवी यहां से गजनी गया और उसके बाद गजनी का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। जहां पर गजनी था वहीं उदय हुआ गौर साम्राज्य का। गजनी के ही मतलब बगल में ही एक, जैसे गजनी जगह वैसे ही वहां जगह थी गौर। तो गौर नामक जगह पर गौर वंश का, गौर साम्राज्य का उदय हुआ। तो हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम गौर साम्राज्य के बारे में और गौर साम्राज्य में मुख्य तौर पर मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले परीक्षा में आने वाली कुछ बातें और महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी के साथ कौन विद्वान भारत आए थे। तो आपने नाम सुना होगा अलबरूनी, ये सबसे प्रमुख है। अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के ही साथ भारत आए थे। और अलबरूनी की सबसे प्रसिद्ध रचना है किताब उल हिंद। परीक्षा में पूछा जाता है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो अलबरूनी की रचना है। अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे? महमूद गजनवी के साथ आए थे। इसके अलावा फिरदौसी के बारे में कहा जाता है कि ये फारसी के जनक है और इन्होंने फारसी की पहली रचना शाहनामा लिखी है। तो फिरदौसी की बुक का नाम क्या हो गया? शाहनामा। और किसने लिखी है? तो फिरदौसी ने ही लिखी शाहनामा। ये फारसी की पहली रचना है। ठीक, इसके अलावा आए थे इनके साथ उत्बी। उत्बी की जो रचना है वो है तारीख ए हिंद,
या तारीखे यामिनी, तारीखे हिंद या तारीखे यामिनी, ये उत्बी की रचना है। तो ये तीन विद्वान आपको याद रखना है, महमूद गजनबी के साथ आए थे, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी। अलबरूनी की रचना है किताबुल हिंद, फिरदौसी की रचना है शाहनामा, उत्बी की रचना है तारीखे हिंद या तारीखे यामिनी। यामिनी से आप लोगों को याद रखना है गजनी वंश जो है उसको यामिनी वंश भी कहा जाता है। गजनी वंश को क्या कहते हैं? यामिनी वंश। तो ये यामिनी से आपको यहां पर ये याद रखना है, ठीक है। तो ये बातें भी महमूद गजनबी के साथ आप याद रखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में मुस्लिमों का आक्रमण, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा अरबी आक्रमण। अरबी आक्रमण था किसका? अरबी आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और तुर्की आक्रमणकर्ताओं में पहले आक्रमण करता थे सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के ही पुत्र थे महमूद गजनबी। तुर्की आक्रमणकर्ताओं का क्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, जहां पर गजनी था वहीं पर गौर का उदय हुआ। तो हम लोग महमूद गजनबी के बाद अब मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गोरी पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि महमूद गजनबी में आपको याद रखना है पहला आक्रमण, और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो हुआ था वो महमूद गजनबी का 1025 ईस्वी में हुआ था सोमनाथ मंदिर पर, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। फिर आपने देखा कि जाटों ने उसको लूट लिया। जब महमूद गजनबी यहाँ से जा रहा था उत्तर की ओर, तो जाटों ने उसको लूट लिया था। फिर उसने आखिरी आक्रमण जो किया था वो 1027 ईस्वी में जाटों पर ही किया था, तो वो उसका भेरा दुर्ग पर अंतिम आक्रमण था। तो महमूद गजनबी के बारे में ये सब बातें याद रखने के बाद हम लोग अब मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे। ये कौन है मोहम्मद गोरी? तो क्या हुआ था कि महमूद गजनबी जब वापस गया तो उसका गजनी वंश का पतन हो गया, और वहीं पर एक वंश का उदय हुआ, वो था गौर वंश। गौर वंश का ही सबसे महत्वपूर्ण शासक है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का भी आक्रमण भारत में तुर्की आक्रमण ही कहा जाएगा। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनबी की ही तरह भारत से धन लूटने के लिए किया था। तो थोड़ा सा अंतर है, देखिए महमूद गजनबी जो है उसका आक्रमण विशेष रूप से धन लूटने के लिए हुआ था और इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करने के लिए हुआ था, परंतु मोहम्मद गोरी का दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग इस प्रकार था कि वो धन तो लूटना चाहता था, परंतु वो यही भारत में ही विशाल मुस्लिम अपने ही साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो इस उद्देश्य से मोहम्मद गोरी के आक्रमण हुए। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण हुआ 1175 ईस्वी में। ये इसका आक्रमण मुल्तान पर हुआ था। मुल्तान कहाँ है आप लोग जानते हैं? मुल्तान कहाँ है? मुल्तान पाकिस्तान में है, जहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने 309 रन बनाए थे। अगले दिन पेपर में हेडिंग आई थी मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। तो मुल्तान जगह जो है वो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान उस समय तो भारत का हिस्सा हुआ करता था ना, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण जो भारत पर हुआ था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। ये करमाती जाति के मुसलमानों पर हुआ था, लिख देता हूँ मैं, करमाती जाति के मुसलमानों पर हुआ था। ये आक्रमण इतना महत्वपूर्ण नहीं था। इसका पहला जो महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1178 ईस्वी में। ये इसका आक्रमण जो 1178 ईस्वी में हुआ था, ये हुआ था भीम सेकंड के विरुद्ध। भीम सेकंड, जिसका एक और नाम है मूल राज द्वितीय। भीम सेकंड या मूल राज द्वितीय, ये भीम सेकंड या मूल राज द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश का शासक था। कौन से वंश का? तो आपको याद रखना है चालुक्य वंश का शासक था। तो आप लोगों को अगर परीक्षा में पूछा जाए कि पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी का कब हुआ, तो आप बताएंगे 1175।
कहाँ पर हुआ था? मुल्तान पर। किस पर हुआ था? करमाती जाति के मुसलमानों पर। परंतु जो पहला महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था मोहम्मद गुरी का, वो 1178 ईस्वी में भीम सेकंड के विरुद्ध हुआ था। ये भीम सेकंड कौन थे? भीम सेकंड को मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। चालुक्य वंश के गुजरात के शासक थे। एक भीम फर्स्ट थे जो गुजरात के उस समय शासक थे जब महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, और ये हैं भीम सेकंड जिन पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण हो रहा है। अब इस 1178 के आक्रमण में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय के बीच राजस्थान के माउंट आबू में एक युद्ध हुआ। तो माउंट आबू का युद्ध आप लोगों को याद रखना है, महत्वपूर्ण है माउंट आबू का युद्ध, क्योंकि यहां पर मोहम्मद गोरी की सेना और भीम सेकंड की सेना का युद्ध हुआ था। माउंट आबू का युद्ध कब हुआ अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1178 में। किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और भीम सेकंड के विरुद्ध। इस युद्ध में भीम सेकंड ने या मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बंधक बना लिया था, बंदी बना लिया, बांध के अपने पास पटक लिया, जेल में कैद कर दिया। किसको? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी को गिड़गिड़ाने की बहुत आदत थी। मोहम्मद गोरी जो है वो भीम द्वितीय की माँ के सामने हर रोज गिड़गिड़ाता था कि मुझे छोड़ दो, मैं अब जो है आक्रमण नहीं करूँगा। तो भीम सेकंड ने अपनी माँ के कहने पर मोहम्मद गोरी को मुक्त कर दिया। लेकिन याद रखें, मोहम्मद गोरी मुक्त होने के बाद, छूटने के बाद वापस गोर नहीं गया, वो गया उत्तर की ओर, और उत्तर की ओर पहुंचा कहाँ? कश्मीर। और कश्मीर में पहुंचकर उसने देखा कि भारत में किन किन राजपूत शासकों का शासन है और किस राजपूत शासक को किस तरह से हराया जा सकता है और किसको हराने पर वो भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना कर देगा। तो इसी की तैयारी में वो जुट गया। ठीक है, तो यहां तक बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। मोहम्मद गोरी का आक्रमण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 में हुआ था और पहला महत्वपूर्ण आक्रमण 1178 में हुआ था। बैटल ऑफ माउंट आबू या माउंट आबू का युद्ध 1178 में भीम सेकंड के साथ हुआ था, और भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को बंधक बना लिया था, माँ के कहने पर मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था। ये पहुंच गया कश्मीर। अब कश्मीर से इसने देखा कि एक राजा जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के बड़े प्रतापी राजा हैं, और चौहान वंश का शासन है अजमेर से लेकर दिल्ली तक। राजस्थान में अजमेर है, तो अजमेर से लेकर तो दिल्ली तक शासन था चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान का। नाम सुना होगा आपने, पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के बड़े ही प्रतापी राजा थे। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, और इन्हें एक और नाम राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान का शासन अजमेर से लेकर दिल्ली तक था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी दिल्ली को ही बनाया था, और अब इन्हीं से मोहम्मद गोरी को युद्ध लड़ना पड़ेगा, तभी मोहम्मद गोरी का शासन भारत में स्थापित हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये मोहम्मद गोरी भी जानता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है उसने पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार युद्ध लड़ा, और 17 ही बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया, और बार बार वो पृथ्वीराज चौहान से क्षमा मांग लेता था, और बार बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को छोड़ देते थे। इस बात में इतिहासकार हालांकि एक मत नहीं है। इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, मतलब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 2 ही युद्ध हुए। ठीक है, तो जो 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे जिनके बारे में सभी किताबों में हमको देखने को पढ़ने को मिलता है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम समझ लें कि मोहम्मद गोरी जो है ये संसबानी तुर्क था, संसबानी तुर्क जो कि पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहता है, और पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए इसने
एक युद्ध लड़ा, बहुत प्रसिद्ध, इतिहास का बड़ा ही प्रसिद्ध युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ 1191 में। किस किस के बीच? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। और फिर वही बात, मोहम्मद गोरी गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने उसको मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान बड़े ही प्रतापी राजा थे। पृथ्वीराज चौहान के एक मंत्री और मित्र हुआ करते थे जिनका नाम है चंद्रबरदाई जो हैं, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के संबंध में इनकी वीर गाथा लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। रासो का मतलब होता है विजय। पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज विजय, ये पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा है। उनके ही संबंध में उनके मित्र और दरबारी साहित्यकार और मंत्री चंद्रबरदाई ने ही लिखी थी। तो पृथ्वीराज चौहान को हराना मोहम्मद गोरी के लिए आसान नहीं था, ये अब मोहम्मद गोरी भी समझ गया था। अब क्या मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में सफल होगा? तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गोरी का साथ यदि कोई राजपूत शासक देता है तो पृथ्वीराज चौहान हार सकते हैं। ये बात मोहम्मद गोरी भी समझ रहा था कि राजपूत शासक बड़े ही प्रतापी हैं, क्योंकि वो ना तो भीम सेकंड को हरा पाया था और ना ही पृथ्वीराज चौहान को हरा पाया था। तो अब कौन देगा मोहम्मद गोरी का साथ, कोई देगा या नहीं देगा? तो देखिए, गहड़वाल राजपूत वंश था, एक अन्य वंश की बात यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक अन्य गहड़वाल राजपूत वंश था। इसी गहड़वाल राजपूत वंश के एक शासक थे जिनका नाम था जयचंद, और जयचंद की ही पुत्री थी, जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। यहां पर आप लोग ध्यान से सुने कि जयचंद जो है उनकी पुत्री थी संयोगिता। जयचंद कौन थे? गहड़वाल वंश के राजपूत शासक। जयचंद की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रेम संबंध थे, और यही बात जयचंद को अच्छी नहीं लगी। जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता की शादी अपनी ही इच्छा अनुसार करवाना चाहता था, और वो पृथ्वीराज चौहान के साथ अपनी पुत्री संयोगिता की शादी नहीं करवाना चाहता था। इसीलिए जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। वो स्वयंवर था संयोगिता उसकी ही पुत्री का। संयोगिता के स्वयंवर में उसने सभी राजपूत शासकों को तो आमंत्रित किया, परंतु उसने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया, और सभी राजपूत शासकों के समक्ष पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जत करने के लिए उसका एक दरबान के रूप में पुतला भी खड़ा कर दिया। जब पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता के स्वयंवर में आमंत्रण नहीं मिला और जब सभी शासकों को आमंत्रण मिला तो पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आया, और पृथ्वीराज चौहान बिना आमंत्रण के ही संयोगिता के स्वयंवर में पहुंच गए, और संयोगिता के स्वयंवर में पहुंचकर उन्होंने वहां से संयोगिता का हरण कर लिया। जब संयोगिता का हरण पृथ्वीराज चौहान ने कर लिया तो अब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या होना चाहिए, शत्रुता या मित्रता? तो जाहिर सी बात है कि इसी बात पर जयचंद और चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता हो गई।
भले ही सत्यता हो गई थी परंतु थे तो वो राजपूत शासक। क्या अब जयचंद मोहम्मद गोरी का साथ पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध देंगे? तो जब मोहम्मद गोरी ने गैड़वाल वंश के राजपूत शासक जयचंद से उनका साथ देने के लिए कहा तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। यहीं पर हम कह सकते हैं, हिंदी में हमेशा आपने एक कहावत सुनी होगी कि भारत को जयचंदों ने बर्बाद कर दिया। जयचंद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा इसी प्रकार बन गई। जयचंदों मतलब जयचंद मतलब जिसने राजपूत शासक का साथ नहीं दिया और एक मुस्लिम शासक का साथ दिया, इसलिए ऐसा यहाँ पर हमको जान लेना जरूरी है। तो तराइन का प्रथम युद्ध तो हुआ था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। लेकिन अब मोहम्मद गोरी का साथ देने के लिए तैयार है कौन? राजपूत एक अन्य शासक जयचंद। तो जयचंद के सहयोग के साथ अब होगा तराइन का दूसरा युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था 1192 में, अगले ही वर्ष 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। ये युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया जयचंद ने। कौन जीता ये युद्ध? तो ये युद्ध मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की इस तराइन के दूसरे युद्ध में हार हो गई। तो क्या अब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को छोड़ देगा, जैसे कि पहले पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को छोड़ते आए हैं? तो बिल्कुल नहीं। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने मार दिया। ये बात इतिहासकारों में एक मतता की नहीं है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इस समय तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं मारा था। चंद्रप्रदाई की पृथ्वीराज रासों में उल्लेख मिलता है, उसके अनुसार एक कहानी प्रचलित है, वो स्टोरी में आपको शॉर्ट में सुना देता हूं। क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को यहां से ले गया। कहां ले गया? तो गौर ले गया। कहां पर ले गया? गौर मतलब अफगानिस्तान वाले एरिया में ले गया, जहां पर उसका पहले शासन था मोहम्मद गोरी का। वहां ले गया किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और वहां की जनता में बार बार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को विभिन्न राजकीय खेलों के समक्ष जब होता था मतलब तब खड़ा करता था और सबको बताता कि देखो भारत के सबसे बड़े राजा पृथ्वीराज चौहान को मैंने हराया है और वो आपके सामने है, उसको कोड़े भी पड़वाता था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गोरी की आंखों में आंखें डालकर हमेशा दृढ़ता से खड़े रहते थे। ये बात मोहम्मद गोरी को अच्छी नहीं लगी। मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़वा दी, अंधा कर दिया मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। तराइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने सुल्तान की उपाधि भी ले ली थी, तो मोहम्मद गोरी को सुल्तान ही कहा जाता था। मोहम्मद गोरी अपने साथ पृथ्वीराज चौहान को ले गया, साथ में चंद्रप्रदाई को भी ले गया, पृथ्वीराज चौहान को अंधा भी कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के संबंध में चंद्रप्रदाई बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि राजकीय खेलों के आयोजन के समय चंद्रप्रदाई ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, मोहम्मद गोरी से कहा कि मेरा मित्र पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाना जानता है। तो सुल्तान यानी कि मोहम्मद गोरी को यकीन नहीं हुआ कि शब्दभेदी बाण भी कुछ होते हैं या कोई चला सकता है क्या। तो चंद्रप्रदाई ने सुल्तान को मोहम्मद गोरी को समझाया कि जहां से भी आवाज आएगी, जहां आप निशाना लगाने के लिए कहेंगे, वहां पर पृथ्वीराज चौहान जो कि अंधा है
वो तीर चला देगा, सही निशाना लगा देगा। मोहम्मद गोरी को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी मोहम्मद गोरी ने कहा कि चलो तुम्हारे मित्र पृथ्वीराज चौहान के हाथ खुलवा देते हैं, लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा, देखते हैं ये अंधा व्यक्ति जो है कैसे तीर चलाता है। वास्तव में पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाना आता था, वो निशाना लगा सकते थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के पास गए और पृथ्वीराज चौहान के हाथों में तीर कमान दिए गए। उसी समय चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से इतिहास की बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां कही। उन्होंने कहा, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी कि उन्होंने बता दिया कि यहां से इतनी दूरी पर मोहम्मद गोरी सुल्तान बैठा हुआ है और ये बहुत सही अवसर है इसको मारने का, अपना बदला लेने का। तो जैसे ही सुल्तान यानी कि मोहम्मद गोरी की आवाज आई, वैसे ही तुरंत पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद गोरी को ढेर कर दिया। उसके बाद कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान को मारा था, जबकि अधिकांश इतिहासकार ये कहते हैं कि चंद्रबरदाई के द्वारा बताई गई वो जो कहानी, वो स्टोरी है, उस पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। ठीक है, चलिए, तो तराइन का दूसरा युद्ध जीता मोहम्मद गोरी ने और उसकी जो इच्छा थी, जिस उद्देश्य से वो आया था कि वो भारत में विशाल अपने साम्राज्य की स्थापना कर देगा, वो यहाँ का सुल्तान बन जाएगा, ये इच्छा मोहम्मद गोरी की पूरी हो गई। मोहम्मद गोरी संस्मानी तुर्क था, याद रखना है आप लोगों को। मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी की आकृति वाले या लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के भी चलाए थे, ये भी ध्यान आपको रखना है। मोहम्मद गोरी का साथ दिया था जयचंद ने। अब जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। ये युद्ध हुआ 1194 में। 1194 में युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो चंदावर का ये युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ। जयचंद वही जिसने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। तो जयचंद को चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने मार दिया। इस तरह से जयचंद की कहानी समाप्त हुई और पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का अंतिम शासक रहा, यह भी आपने पढ़ा। मोहम्मद गोरी का शासन शुरू हो गया है। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, परंतु इसके गुलाम कई सारे थे। इसके गुलामों में मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे, ये मैं तराइन का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध मिटा देता हूँ, ये सब बातें याद रखना है आपको। बड़े ही इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध ये हैं, तीसरा चंदावर का युद्ध है। तो पृथ्वीराज चौहान का कोई पुत्र नहीं था, परंतु इसके गुलाम कई सारे थे और इन्हीं गुलामों में एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यिल्दोज, तीसरा कुबाचा और चौथा बख्तियार। ये सभी मोहम्मद गोरी, यहां से मैं पृथ्वीराज चौहान भी मिटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मोहम्मद गोरी के जो गुलाम हैं, ये बनना चाहते हैं मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी। तो मोहम्मद गोरी भारत में समय समय पर आया, परंतु उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को
भारत का जिस क्षेत्र को उसने जीता था उस क्षेत्र का शासक अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम, ये सब गुलाम ही थे। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में शासन मोहम्मद गोरी की ओर से संभाल रहा था। मोहम्मद गोरी समय समय पर आता था। मोहम्मद गोरी जब 1206 में भारत से वापस जा रहा था, तभी अफगान जाते वक्त रास्ते में ही मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। तो क्लियर है यहां पर हम लोगों को कि मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, चार गुलाम थे। और चार गुलामों के जो नाम है वो मैंने यहां पर लिखे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी 1206 में। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद किसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का काल है 1206 से 1526 ईस्वी तक का। 1206 से 1526 ईस्वी तक ये काल दिल्ली सल्तनत का काल है। तो अब हम मोहम्मद गोरी के बाद भारत में मुस्लिम आक्रमण में हमने अरबी आक्रमण, तुर्की आक्रमण पढ़ ली है, और दिल्ली सल्तनत के काल से हम लोग अगले लेक्चर में आगे की बातें करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।